स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए रात के 1:30 बजे भारत एशिया कप चैंपियन बन गया है एक बार फिर, लेकिन एक ऐसा मुकाबला जो किसी तरफ जा सकता था, एक ऐसा मुकाबला जहां 223 रन बनाने में भारत के पसीने छूट गए। अब हारी एक टीम है, हालांकि भारत भी हार सकता था। आखिरी गेंद पर एक रन चाहिए था, लेग बाई आ गया और भारत ने इस मुकाबले को 3 विकेट से जीता है। और बड़ा ड्रामेटिक ये दूसरा हाफ रहा इस मैच का। आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे, केदार जाधव चोटिल थे, हैमस्ट्रिंग खींचा हुआ है, भाग नहीं पाएंगे कुलदीप यादव के साथ, लेकिन जैसे तैसे करते करते आखिरी गेंद तक भारत पहुंचा। और ये है वो आखिरी गेंद का वो लेग बाय। भारत बन गया है एक बार फिर एशिया चैंपियन। His ball on a leg stump worked away and India, they win their seventh. It's a last ball victory for India. Kedar Jadhav does it for India. ये बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन रोमांचक जीत जरूर है, क्योंकि एक लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ। 222 बांग्लादेश, और भारत ने जिस तरह शुरुआत की थी लगा कि आराम से भारत की बड़ी जीत आएगी, लेकिन बांग्लादेश की तारीफ, उन्होंने एक एक रन के लिए भारत को संघर्ष कराया, भारत की विकेटें भी गिरती रही। और ये आखिरी गेंद पर देखें किस तरह से लेग बाय। भारत मदन जी, जान बची तो लाखों पाई ही हुआ है। हाँ, बिल्कुल, पसीने तो छुड़वा दिए थे, पसीने छुड़वा दिए थे बांग्लादेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बांग्लादेश ने बहुत अच्छा फाइट किया है इस मैच को। देखिए 222 रन होते नहीं है कुछ भी, पर इंडिया की तरफ से ये है कि पहले तो जो इतना अच्छा स्टार्ट भी नहीं मिला, 35 रन पे एक हमारा विकेट गिरा था, उसके बाद थोड़ा सा बीच में पार्टनरशिप हुआ। उस जो मैच जहाँ से पलटा है वहाँ MS धोनी और दो अपना बैटिंग जब कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा गेम जो है उन्होंने बनाने की कोशिश की है, पर उसके बाद जो है एकदम जब विकेट गिरने शुरू हुए उससे मैं समझता हूँ कि एकदम प्रेशर आया इंडिया के ऊपर। और यू नो इंडिया ये सोच रहा था कि हाँ हम सिंगल में बना लेंगे, पर बीच में कोई बाउंड्री वगैरह नहीं लगी, उसके से प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता चला गया। चलिए जो मजा आएगा आज भारत की इस जीत पर बात करेंगे। अदरवाइज शुरू आप ही से करता हूं। लगता तो यही था कि एक तरफा मुकाबला होगा, लेकिन शायद फाइनल के लिए बेस्ट बचा कर रखा हुआ था बांग्लादेश ने, आखिर तक लेकर गए, आखिर गेंद तक लेकर गए। देखिए बहुत रोमांटिक मैच हुआ यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आज भारत आसानी से जीत जाएगी, क्यों मैं हर बार ये कहता हूँ कि जो प्लेयर जो सेट होते हैं उनको पूरा मैच जिताना पड़ता है। आपको पता है जो सेट प्लेयर होते हैं आखिर तक खेलना चाहिए, अगर विकेट गिरते रहेंगे तो बिल्कुल प्रेशर आता रहेगा। बट मैं बोलूंगा कि इस मैच में भारत नो डाउट विनर्स है, बट लेकिन मैं समझता हूँ बांग्लादेश के लिए भी ये बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आज बांग्लादेश को भारत बांग्लादेश को नचाएगा, बट लेकिन एंड तक बांग्लादेश ने भारत को नचाया। बट लेकिन एंड में जो जीत हुई, एक जीत एक बॉल से हो या एक रन से हो, सही बात, रन से हो, जीत तो जीत ही होती है। बट लेकिन मैं दाद दूंगा कि भारत की टीम ने बहुत अच्छा खेला इस टूर्नामेंट में, बहुत अच्छा खेला। ठीक है एक मैच हम क्लोज आके जीते, बट ऐसे तो मैच हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। सही बात, बट मैं बिल्कुल बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ भारत की टीम को, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से टूर्नामेंट किया और बांग्लादेश ने ये फिर से बता दिया कि वो फाइटर टीम है। सही बात है, बांग्लादेश वो फिर वही आकर, मतलब जो भी है उनके बांग्लादेश की तकदीर में भी वो लिखा हुआ है कि वो भारत का मुकाबला करते हैं, एंड तक आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लकीर पार नहीं कर पाते। बांग्लादेश अच्छा खेला, बांग्लादेश को हमने अंडर एस्टिमेट किया था, हम वो नागिन डांस का मजाक करते रहे, वो नागिन डांस हो भी सकता था। हाँ बिल्कुल, वो एक रन इधर और उधर नागिन डांस होना ही होना था। हाँ बिल्कुल, और देखिए बांग्लादेश ने बहुत ही बेहतरीन मैच खेला और इतने थोड़े स्कोरों में उन्होंने मैच को फाइट किया, क्योंकि उनके रन ज़्यादा बन सकते थे जैसे उनका स्टार्ट हुआ था, जैसे उन्होंने बीच में आके भी उनके थोड़े से 20-25 रन और बन सकते थे। पर आज भारत की जो बैटिंग थी वो ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं थी ना ही, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है विकेट्स गिरते चले गए। और अजहर ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब बैट्समैन सेट होता है तब आपको मैच को जिताना पड़ता है,
क्योंकि जब अगर विकेट गिरते जाएंगे तो प्रेशर और ज्यादा, और ये पूरे मैच में ये बार बार हुआ है, ये पूरे मुकाबले में बार बार हुआ है। पहले आपके सलामी बल्लेबाज जो है वो एकदम उन्होंने फेंका है, शिखर धवन फेंका है, उसके बाद रोहित शर्मा, अब जब एमएस धोनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे दिनेश कार्तिक के साथ, वहां दो विकेट गिरे, दोनों आउट हुए, दिनेश कार्तिक फुल टॉस पर दूसरी बार आउट हुए एलबीडब्ल्यू। हाँ, गिरना नहीं चाहिए था वहाँ, और धोनी एक बार फिर मैच खत्म नहीं करके आ पाए। हाँ, बिल्कुल खत्म नहीं करके, दूसरी बार हुआ ये, वो वहां भी थोड़ा गेम जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि उन बांग्लादेश को भी मालूम था कि ये दो मेन बैट्समैन है, उसके बाद केदार यादव अनफिट हुए, उनका हैमस्ट्रिंग पुल हुआ, पर उसके बाद मैं समझता कि ये अच्छा डिसीजन था कि रविंद्र जडेजा को और भुवनेश्वर को उन्होंने उन्होंने बैटिंग करने के लिए भेजा, क्योंकि देखिए एक अनफिट प्लेयर जो है वो शायद हो सकता कि ओवरों को और ज़्यादा पीछे कर देता, रन इतने ज़्यादा नहीं निकलते और ओवर भी वेस्ट हो जाते, पर लास्ट में आकर मैं समझता हूँ कि जडेजा के भी हमें यहाँ तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जडेजा ने भी मैच को बनाया जाता है। इनफैक्ट अगर पिछला मैच अफगानिस्तान का भी उठाकर देखें, वो जडेजा ही थे जो आखिर तक ले गए थे, उन्होंने साबित किया है गेंद के साथ, बैट के साथ, फील्डिंग में आप मुझे वनडे क्रिकेट से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन सवाल तो है, देखिए भारत चैंपियन है, अजहर भाई ठीक कहते हैं, रिकॉर्ड बुक्स में ये लिखा जाएगा कि सातवीं मर्तबा भारत एशिया कप जीता है, चैंपियन है, पाकिस्तान को दो बार हराया, बांग्लादेश को दो बार हराया, लेकिन हकीकत यह भी है कि अब कुछ कुछ डर लगना शुरू हो गया है, अगर आप वर्ल्ड कप के लिहाज से देखते हैं, क्योंकि अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो हर मैच में आप कहेंगे कि यार हमारे सलामी बल्लेबाज ही जिता दे तो जिता दें, क्योंकि मध्य क्रम अभी भी भारत की कमजोरी दिख रहा है। लेकिन खैर हो सकता है चयनकर्ताओं के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए वो कितना फूड फॉर थॉट हो। एशिया कप चैंपियन भारत, और दरअसल आप देखें को बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट में मान जी आप बांग्लादेश ने अपनी बेस्ट दो मैचों के लिए बचा कर रखी थी पाकिस्तान के खिलाफ और फाइनल में भारत के खिलाफ, ये टीम अफगानिस्तान से भी हारी थी। भारत शानदार क्रिकेट खेलता रहा, थोड़ा डिप किया, लेकिन भारत पूरी टूर्नामेंट में सबसे नंबर वन टीम थी। अगर भारत नहीं हारता तो कई सवाल उठते ना। हाँ, अगर देखिए जितने भी पहले मैचेस हुए हैं उन्होंने हमें वन साइडेड सारे मैचेस जीते हैं, उसमें हमारे जो 1-2-3 उन्होंने काफ़ी अच्छे रन भी बनाए, हमारे बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा साथ दिया, इसका कारण था कि हम बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेले। आज भी हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा साथ दिया, देखिए 222 रन होते नहीं हैं, आप हमारी इंडियन जैसे बैटिंग जो है उनको रन ये बनाने चाहिए थे, पर बीच में जब आप आपकी विकेट्स गिरते चले जाते हैं ना, ये जो आप कह रहे हैं ना कि बीच में आकर जो रन मैच को नहीं जिता पा रहे जो सेट बैट्समैन है, वहां पे मैं समझता कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, या तो हम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं ऊपर। जीत कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दा डाल देगी उन सवालों पर, क्योंकि दिनेश कार्तिक को लेकर अब सवाल होंगे, मनीष पांडे ऑलरेडी टीम से बाहर होने चाहिए, अच्छा केदार यादव का बार बार हैमस्ट्रिंग खींची जा रहा है, धोनी मैच फिनिश नहीं कर पा रहे, नहीं मैच फिनिश नहीं कर पा रहे, और देखिए पर्दा तो नहीं डलेगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को यहां से सोचना है कि कहां कहां हमने ये जो है हमें अपने जो है टीम को ठीक करना है, क्योंकि देखिए अगर हर मैच में तो जो 1-2-3 चलेंगे नहीं, कहीं ना कहीं जाके जो मिडल ऑर्डर है उनको मैच तो निकालना, जो कि नहीं निकाल पा रहे, गेम को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्लो कर रहे हैं, जो होना चाहिए गेम का रन निकलने चाहिए वो नहीं निकल पा रहे, उसमें एमएस धोनी भी मैं समझता हूँ कि उनका भी एक बड़ा योगदान चाहिए, जो कि अभी तक इस सीरीज़ में उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, उनका विकेट कीपिंग में उनका जो प्रदर्शन है बहुत बेहतरीन रहा है, पर बैटिंग में कोई वो दिखाई नहीं दिया एमएस धोनी जो दिखाई देने चाहिए, जिनको मैच फिनिश करके फिनिशर कहते हैं वो नहीं कर, दिनेश कार्तिक जो है उनको चाहिए था कि पूरा मैच को निकाल के आते, तो तब जाके आप अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, तो ये एरियाज है, ग्रे एरियाज है, जहां आपको थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। अजहर भाई आपने कहा कि चैंपियन है, वाकई में आप आखिरी गेंद पर जीत गए, और मैं तो ये कहूंगा कि इज्जत रह गई, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता भारत नहीं जीतता तो फिर बवाल मचता, क्योंकि आपकी टीम बांग्लादेश के मुकाबले बेहतर टीम थी, वहां पर साकिब नहीं खेल रहे थे, तमीम नहीं खेल रहे थे, हालांकि विराट भी इस टूर्नामेंट में नहीं खेले, लेकिन इतना करीब लेकर जाना आप श्रेय बांग्लादेश को देते हैं, या फिर वही कि मिडिल ऑर्डर तो कुछ करने के लायक ही नहीं रहा। नहीं बिल्कुल, आवाज कट गई है सब की, लेकिन उन्होंने करीब से देखे हैं सारे मुकाबले, और जब वो दुबई में थे पहले मैच में उन्होंने तब भी कहा था कि अगर आप मुकम्मल टीम बनना चाहते हैं तो आपको चार नंबर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एज ऑफ नाउ शायद वो अंबाती रायडू है, अगर विराट कोहली तीन आते हैं तो वो चार हो जाएंगे, उसके बाद छः नंबर केदार यादव हैं, लेकिन केदार यादव बार बार हैमस्ट्रिंग ही खिंचता रहेगा तो अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। अभी भी देखा जाए आप ट्रॉफी जरूर जीत गए हैं,
लेकिन कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले। नहीं बिल्कुल नहीं मिले। देखिए आपको, देखिए आपके जो मेन प्लेयर है राहुल इतने अच्छे प्लेयर है, आप उनको बिठा के कार्तिक को खिला रहे, जहां पे कार्तिक मेरे ख्याल में एक आध दो मैच खेलेंगे उसके बाद में खुद ब खुद ही उनको ड्रॉप कर दिए जाएंगे। बट लेकिन आपके जो मेन प्लेयर थे उनको खिलाना चाहिए, राहुल को खिलाना चाहिए था क्योंकि वो मेन प्लेयर है, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है ओपनिंग भी करते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी अच्छी बैटिंग करते हैं, तो खिलाना चाहिए था। बट लेकिन मिडिल ऑर्डर मैं समझता हूँ फेल हुआ, जैसा सनी भाई ने कहा कि धोनी को फिर से आके अपने यहाँ पे मैचेस खेलना पड़ेगा उनको, अगर आगे खेलना है तो उनको बिल्कुल जो रणजी ट्रॉफी मैचेस है या कोई मैचेस जो मैच प्रैक्टिस उनको रहना पड़ेगा, वरना तो खाली मैच टू मैच आप खेलेंगे तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनका रहना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 10,000 रन के ऊपर कर चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका खेलना बहुत इंपॉर्टेंट था। बट लेकिन ओवरऑल जीत तो मैं कहा जीत ही है, बट लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल क्रेडिट बांग्लादेश टीम को देता हूँ कि उन्होंने भारत के लिए बहुत 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 ज्यादा टफ कर दिया था। कई खिलाड़ी निकल कर आए हैं, उनमें से एक है रविंद्र जडेजा। इस टूर्नामेंट के बीच उनकी वापसी हुई, वो हार्दिक पांड्या को चोट लगी, रविंद्र जडेजा आए, शायद इन विकेटों पर एक स्पिनर ऑलराउंडर आपके लिए ज्यादा कामयाब है। लेकिन जडेजा ने ये बता दिया आपको, बैट के साथ, बॉलिंग के साथ, फील्डिंग के साथ, मेरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये शायद इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा प्लस होगा भारत के लिए। अजहर भाई, मैं वही कह रहा था, जडेजा शायद इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े प्लस हैं भारत के लिए। जी नहीं बिल्कुल, देखिए जडेजा को कभी आप ड्रॉप करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक जबरदस्त ऑलराउंडर है, उन्होंने बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, और फील्डिंग भी बहुत जबरदस्त फील्डिंग है। आज अगर आप मैच अगर आप आज जीतेंगे तो मैं समझता हूँ भुवनेश्वर कुमार और जडेजा की जो पार्टनरशिप है वो बहुत अहम पार्टनरशिप थी, उसी वजह से हमने मैच जीते। अगर वहाँ पे अगर मैं मैच देख रहा था, हर बार कह रहा था कि जडेजा अगर जल्दी आउट होंगे तो भारत को दिक्कत हो जाती, बट लेकिन उन्होंने बिल्कुल ठीक है, एक 8-10 रन पहले आउट हुए, मैंने पूरा खेलना चाहिए था दोनों प्लेयर्स को, भुवनेश्वर को और जडेजा को। बट लेकिन जडेजा एक इंटेग्रल पार्ट है अपने टीम के, उनको कभी भी ड्रॉप करना नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक है अगर विकेट फ्लैट भी होगी तो यूटिलिटी प्लेयर है, क्योंकि बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और अच्छी फील्डिंग भी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनका आना, मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ भारत के लिए, और स्पेशली ऐसी विकेट पे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और मदन जी, गेंदबाजों ने तो शानदार प्रदर्शन किया ही है, गेंदबाज आपकी ताकत रहे हैं हालिया वनडे क्रिकेट में, और वो इस टूर्नामेंट में भी थे आपके सबसे बड़ी ताकत, क्योंकि बल्लेबाजी में रोहित शिखर टू एन एक्सटेंट अंबाथी रायडू उन मैचों में जहां पर शायद रोहित शिखर रन ज्यादा बना चुके थे, बीच में मध्यक्रम ने आपको परेशान किया, पर आपके गेंदबाजों को तो अव्वल नंबर मिलते हैं। बिल्कुल फुल बटा फुल नंबर मिलते हैं, और देखिए उन्होंने हर मैच में आपको इतना टोटल दूसरी टीम को करने ही नहीं दिया, आज भी देखिए आज भी टोटल उन्होंने करने नहीं है, 222 रन कुछ नहीं है। पिछले मैचेस आप देख लीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ देख लीजिए या अफगानिस्तान के खिलाफ देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ जबरदस्त बॉलिंग की है जितने भी हमारे बॉलर थे, क्योंकि चाहे पेसर ले लीजिए चाहे स्पिनर ले लीजिए, क्योंकि स्पिनर को तो विकेट थोड़ी सी शूट भी कर रही थी, पर पेसर ने भी मैं समझता हूँ कि आज जरूर है कि थोड़ी शुरू में उनको मार पड़ी है, पर बीच में जो बीच वाला स्पेल था भुवनेश्वर का और जसप्रीत बुमराह का, तो वो काफ़ी अच्छा था, डेथ ओवर में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो ये अगर देखा जाए, ओवरऑल पिक्चर देखी जाए, इस वक्त जो है हमारे बॉलर जो है आपको मैचेज जिता रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि बीच में जब बैटिंग हो रही है मिडल में वहाँ इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हाँ ये मैच निकाल देंगे, ये थोड़ी सी चिंता वाला सबक जरूर है, क्योंकि जब ये MS धोनी और दिनेश कार्तिक बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैच निकल जाएगा, पर ये भी मन में आ रहा था कहीं इनमें से कोई आउट हुआ तो मैच फंस भी सकता है, तो वो फीलिंग थी बीच में हमारे में कि शायद ये मैच निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। अजहर भाई, आखिरी ओवर 6 गेंद 6 रन, आपको लगा कि मैच इधर का उधर भी जा सकता है? बिल्कुल देख, अगर वहाँ पे विकेट गिरती तो शायद मुश्किल हो सकता था, क्योंकि केदार यादव बिल्कुल वो खेल नहीं सके थे, क्योंकि मेरे ख्याल में उनका हैमस्ट्रिंग मेरे ख्याल में दूसरी बार फुल हो गया है, तो इंपॉर्टेंट मैच था, अगर कहीं अगर आप बैटिंग को नहीं आते तो शायद दिक्कतें और ज़्यादा होती थी। बट लेकिन देखिए, एक मेन प्लेयर जब बैटिंग भी होता है तो दूसरे प्लेयर को भी कॉन्फिडेंस होता, बट लेकिन मुझे इतनी उम्मीद थी कि 6 रन तो आराम से बन जाएंगे, अगर कहीं इधर भी उधर भी अगर 2 शॉट इधर के उधर लग जाए तो मेरे ख्याल में हो जाते, क्योंकि जो कुलदीप यादव का जो
जो स्वीप लॉक शॉट था जो मिड विकेट पे गया, दो रन मिले वहाँ पे, मेरे ख्याल में वहाँ से बहुत राहत मिली और मुझे इतना डाउट नहीं था कि छः बॉल में रन बन जाए, क्योंकि बॉलर जो कर रहे थे वो स्पिनर कर रहे थे और स्पिनर के लिए कभी भी मेन रन बन सकते, कभी भी इधर इधर उल्टी सीधी हिट भी मेरे ख्याल इधर उधर हो जाएगी, चाहे थर्ड मैन पे ऊपर से चले जाता या कहीं पर भी हो सकता, बट लेकिन मुझे उम्मीद थी कि छः रन आराम से बन जाएंगे आखिरी ओवर में। रोहित शर्मा की कप्तानी मदन जी सारी टूर्नामेंट में बहुत अच्छी कप्तान जी की, उन्होंने ट्रॉफी है उनकी कप्तान के तौर पर, भारत के कप्तान के तौर पर, देखिए ये तो माइलस्टोन है उसके लिए, पर उसने जो बॉलिंग चेंजेस की है, जैसे उन्होंने अपने बॉलर को यूटिलाइज किया है क्रूशियल स्टेजेस पर जब लेकर आए हैं, वहाँ पे बॉलरों ने भी साथ दिया है, क्योंकि कैप्टन को बॉलर चाहिए जरूर मैच जीतने के लिए, मैं समझता हूँ कि वो और कैप्टन को कैसे ओवर बॉलर को यूज़ करता वो देखने वाली बात होती है, क्योंकि लास्ट ओवरों में 35 से लेकर 45 ओवर तक रोहित शर्मा ने अपने स्पिनर को यूज़ किया, उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि रन भी रुके हैं और विकेट्स भी मिली हैं बॉलर्स को, पर रोहित शर्मा को अगर आप एज ए कैप्टन देखे तो मैं समझता हूँ कि फुल मार्क्स है उनके, और उन्होंने बैटिंग भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की है, आज भी वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने जो शॉट खेलने वाला शॉट था और थोड़ा सा गेंद नीचे आया उसको वो ऊपर लेकर नहीं जा पाए, सीधा ही फील्डर के हाथ में गया, शॉट ठीक था, वो मारते हैं उस शॉट पर रन मिलते हैं उनको, पर ऐसा होता है क्रिकेट में, पर बाकी जो टीम के खिलाड़ी हैं बल्लेबाज हैं उनको भी तो थोड़ा बहुत साथ निभाना चाहिए, अभी कभी रोहित शर्मा अगर ना करे तो हम आपको मैच जिता सकते हैं। एक अलग तरह के कप्तान अजहर भाई आपको दिखे रोहित शर्मा? नहीं बिल्कुल, देखिए उनकी कॉन्फिडेंसी बहुत एकदम काम है, कूल और कलेक्टिव थे, और आज के मैच में जब 120 रन की पार्टनरशिप भी शुरू में हुई थी तो उन्होंने पैनिक नहीं किया, तो समझ लो एक कैप्टन जो अच्छे कैप्टन हुए होते जो पैनिक नहीं करते, उसके बाद जब विकेट गिरने लगी तो वहाँ पे फिर रन रेट भी अरेस्ट हो गया, ज़्यादा रन लोग बना नहीं सके, फिर विकेट भी गिरते रहे, तो उसी वजह से 222 ही मेन बांग्लादेश बना सकी, बट लेकिन उनकी कैप्टेंसी मैं समझता हूँ कैप्टेंसी और बैटिंग दोनों को भी आप बिल्कुल दाद देना चाहिए, मेरे मैन ऑफ द सीरीज तो वही रहेंगे, मैन ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा रहेंगे, आपके भी या बुमराह, कुलदीप यादव, जडेजा? काफी शिखर धवन, उन्होंने भी 200 किए हैं, शिखर धवन ने भी किए, पर मेरे विचार में जो मैन ऑफ द सीरीज होने चाहिए रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, एज ए परफॉर्मर, तो और जैसे उन्होंने इस परफॉर्मेंस के बाद भी उनको टेस्ट टीम में अगर नहीं लिया गया तो? नहीं, टेस्टिंग में लेना चाहिए ये तो, और उसको टेस्टिंग में लेना चाहिए और यूटिलाइजेशन जो है उनकी करनी चाहिए, कैसे किस नंबर पे वो सेट होते हैं, किस नंबर पे वो खुश रहते हैं, या आप कैसे उनको, एक बड़ा प्लेयर तो है ही है, आप टेस्ट मैच में कैसे उनको बड़ा कर सकते हैं और ज़्यादा उनका और बैटिंग का जो स्तर है वो कैसे ऊपर जा सकता है, वो देखने वाली ही बात है। तो सातवां ये टाइटल है एशिया कप भारत के लिए, बड़ी कामयाबी है क्योंकि इस टूर्नामेंट से पहले तो ये लग रहा था कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा बड़े होंगे, दो बार भारत पाकिस्तान खेले, दोनों बार वन साइडेड जीत भारत को मिली, बांग्लादेश से भी भारत दो बार खेला है, दोनों बार जीता है पहले मैच और आपके इस मैच में, आप देखें कितना ज़्यादा फर्क है, यहाँ पर आखिरी गेंद पर भारत जीता है, वहाँ तो कई ओवर रहते आराम से भारत उस मुकाबले को जीत गया था। इसके बाद भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच खेलेगा, फिर वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट खेलेगा, लेकिन मदन जी और अजहर भाई दोनों का ये मानना है कि कई सवाल अभी भी हैं इस टीम पर, और जैसे जैसे आप वर्ल्ड कप के करीब जाते हो आपको शायद ज़रूरत ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज की भी, नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक इतना अच्छा अटैकिंग बैट्समैन है आपके पास, आपको उसको रखना चाहिए, उसको एक्सपोज करना चाहिए, वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ आ रही है उसको खिलाना चाहिए, देखिए उसको भी थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा अपनी गेम को सेट करने के लिए, ठीक है अटैकिंग प्लेयर है पर कई ऐसा वक्त आता है जहाँ पे आपको गेम को रोक के भी खेलना पड़ता है और गेम को बनाना भी पड़ता है, पर एक ऐसा स्ट्रोक प्लेयर जो आपको 4-5 ओवर में मैच जिता सकता है वो होना बड़ा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि ये एक चांस है रोहित शर्मा ऋषभ पंत के लिए इसमें वेस्ट इंडीज सीरीज के खिलाफ। सही बात है, और निखिल भाई भी आने वाले हैं, आई जाइए। इसके अलावा जीत का जश्न और कहानियां आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि रात को 2:15 अगर आज तक लाइव है तो स्पोर्ट्स तक भी लाइव है, और निखिल भाई जो है अभी स्पोर्ट्स तक से यहां पर आए हैं, फंस गया था काम, 6 गेंद 6 रन आमतौर पर बनते हैं, ये बड़ा क्रूशियल स्टेजेस पे इनका मसल हैमस्ट्रिंग पुल हुआ है,
और दूसरी बार हुआ है, कुछ भी हो सकता था, मैच भी 5-6 महीने बाहर रहे पहले 6-7 महीने। तो आपकी बॉलिंग से आप वर्ल्ड कप की टीम में और मंडे क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, काफी मैचेस मैं कह सकता हूं कि हमने केदार यादव की बैटिंग नहीं देखी, जो हम जानते हैं जैसे वो गेंद बैटिंग करता है, ये मेरा मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि केदार यादव जैसा मेन स्ट्राइकर है, जो मेन बैट्समैन है, वो उसका बैट्समैन है, गेंदबाज थोड़ी है, गेंदबाज थोड़ी है, उसको अपनी बैटिंग से मैच जिताना चाहिए। हालांकि चलिए बात करो, हिम्मत दिखाई, जो भी स्पैजम्स रिलीज करा के मरम पट्टी करा कर आए, और एक चीज इस ड्रेसिंग रूम में जो बड़ी अच्छी है, इस ड्रेसिंग भारत के ड्रेसिंग रूम और शायद पाकिस्तान, शायद बांग्लादेश, बाकी टीमों में फर्क यह है कि आखिरी गेंद तक जाते हैं। उस दिन मैच टाई भी हुआ तो कम से कम भारत आखिरी गेंद तक गया, पैनिक नहीं किया। अब मैच हार सकते हैं पर उस मैच में भारत ने पैनिक नहीं किया, और यहां पर भी आप अंत तक गए, आपने पैनिक नहीं किया, आपने कहा अंत तक जाते फिर देखते हैं, और यही फर्क है, आप पैनिक नहीं करते, इसीलिए आप मैचेस जीत भी रहे हैं अंत में आके, क्योंकि जैसे जैसे आप पैनिक करते हैं, दिल की धड़कनें जब तेज होती ना, तो आप अपने शॉट्स जल्दी जल्दी खेलना कोशिश करते हैं, आप हर चीज़ जल्दी करने की कोशिश करते हैं, पर ये कामिंग इफेक्ट, पैनिक ना करना, उसी की बदौलत आज आप ये ट्रॉफी जीते हैं, नहीं तो आप बीच में बैठ के आड़ा मार रहे होते, आउट हो रहे होते, लेकिन दाद देनी होगी जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने बीच में 21 रन बनाए, जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की, जो दबाव था जडेजा के ऊपर, वो दबाव कर गया, दोनों बड़े गलत टाइम पे आउट हुए, वो जडेजा का दबाव कम कर दिया, ये भी अच्छा डिसीजन कि उसको बाहर बुलाया, ठीक हो गया फिर, हाँ क्योंकि क्योंकि वो डबल और सिंगल भाग सकते थे, गड़बड़ हो जाती, क्योंकि होता क्या, रन बनते नहीं, ओवर निकल जाते, तो उसमें प्रेशर था जिसमें धोनी आउट हुए, हाँ मैं उसी की वजह से जो गैप आया इन बिटवीन, जब उनके रिदम अच्छी चल रही थी, उसी गैप के बीच में एमएस धोनी आउट हुए, क्योंकि धोनी को लग रहा था कि जो उसके चेहरे पे लग रहा था भाई ये क्या हो रहा है, या तो उनको बाहर से कह रहे थे कि भाई बाहर आ जाओ, या तो बाहर बुला लो या उसको खेलने दो, पर डिसीजन अच्छा था टीम मैनेजमेंट का जो उसको बाहर बुलाया। चलिए एक बात तो अच्छी है कि भारत कम से कम चैंपियन बनकर आया, और चैंपियन बनने के लिए भारत गया था मुस्तफा जूर के, भारत में लिखा था जीतना है, बांग्लादेश का लिखा था हारना है, लेकिन तारीफ करनी होगी बांग्लादेश की, हम लोगों ने आलोचना की थी उनकी कि वो नागिन डांस और ये वो लड़े, बस यही है कि वो लाइन क्रॉस करना अभी तक सीखे नहीं है, बड़ी टूर्नामेंट में बड़े मैच जीत सकते हैं, बड़ी टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, अब तक उन्होंने एक बार फिर साबित किया है। तो रात हो चुकी है, इजाजत ले लेते हैं आपसे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें हमारा YouTube चैनल है स्पोर्ट्स तक, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा, वहाँ दिलचस्प कहानियाँ होती हैं, और जो वहाँ से भी कप्तानों की कॉन्फ्रेंस आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, वो भी आपको स्पोर्ट्स तक पर ही मिलेगी। गुड नाइट।